हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्नेहा सावंत ऑफिशियल में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है मेरे हम लोगों के यहाँ राखी, मतलब मेरे शहर में आज है राखी। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी राखी। तो आपके शहर में कब है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जस्ट कुछ देर पहले सो के उठी हूँ, उसके बाद कुकर में चना को डाल के चढ़ा दिया है क्योंकि जल्दी बनाना है। उसके बाद भैया आएंगे तो राखी सब बांधना है, तो उसके बाद चलिए फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। इधर बन गया छोले पनीर का सब्जी, अभी बना नहीं है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें भी। और तब तक इधर बना लेती हूँ पुलाव। ये बन ही गया है बस, और थोड़ा सा आटा गूंथना है पूरी के लिए, तो सब कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। अब बन ही गया है खाना पूरा, पूरा तो नहीं बनाया, बस पूरी बनाना है। वो आटा गूंथ के रख दूँगी, उसके जब भैया आएंगे तो बनाऊंगी। आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, वैसे भैया को भी लेट हुआ है क्योंकि घर में तो कोई है नहीं, सारा काम निपटा के आएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा उनको भी टाइम लग रहा है, तो मुझे भी टाइम मिल गया थोड़ा सा और करने के लिए। तो फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी क्योंकि नहाया भी नहीं अभी तक। तो थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि अब आने का भी टाइम हो गया, तो चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। अब बस भैया आ जाए, उसके बाद राखी बांध दूंगी। भैया को भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि घर में है नहीं कोई, तो इसीलिए थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा था। खैर अच्छा ही हुआ क्योंकि मुझे भी तो आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। तो चलिए वैसे भी अब सब कुछ हो गया, बस भैया आ जाए ना तो राखी बांध दूंगी, उसके बाद खाना खाएंगे। तो देखते हैं कब तक आते हैं, तब तक वेट करती हूँ। हैप्पी राखी एवरीवन। हैप्पी राखी। अभी तक नहीं आए भैया, 2 बज गया, पता नहीं कब तक आएंगे, कहाँ है अभी तक। अब जब आ जाए तब राखी बांध दूंगी, मैं तो रेडी होके बैठी हूँ जब वो आ जाए। और ये देखिए मेहंदी, मुझे थोड़ा बहुत आता है लगाने पर नहीं लगा पाई अच्छे से क्योंकि टाइम नहीं मिला। अब फिर कभी लगाऊंगी अच्छे से, तब आपको दिखाऊंगा। और ये कैसा लग रहा है, हरी हरी चूड़ियाँ, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अंदाज इसीलिए पहन लिया, बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है। अभी वेट करते हैं भैया का, जब वो आ जाए। पहुँच गए भैया, तो चलिए अब राखी सब बांध लेते हैं। यहाँ मैं एक पीस मिठाई निकाल के रख रही थी क्योंकि भैया बोले कि उनको मीठा खाने का मन है ही नहीं, कुछ खाने का ही मन नहीं था, पर मीठा बोले थोड़ा सा खाने, तो वो बोले ठीक है एक खा लेते हैं, तो एक निकाल के रख दिया। भैया खाना तो खाए नहीं इसलिए सब पैक करके उनको दे दिया, और वो बोले कि चाय पिला दो, तो बस वही चाय बना रही हूँ। तो फाइनली हो गया मेरा रक्षाबंधन, भैया आए, राखी मैंने बांध दिया उनको, और वो जलेबी का खाना भी नहीं खाया तो पैक करके दे दिए, वो वहीं जाके खाएंगे। तो हो गया, तो अब जाते हैं हम भी बनाएंगे क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। तो चलिए बनाते हैं पूरी, उसके बाद खा लेंगे क्योंकि सच में बहुत जोरों की भूख लगी है। तो चलिए पूरी बनाते हैं और खाते हैं। भैया तो चले गए, हो गया सब कुछ अच्छे से, तो चलिए बनाते हैं अब पूरी, अब खाएँगे। Thank you.
सारी पूरी तैयार। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है। तो चलिए खाना खा लेते हैं और आपसे मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा रक्षाबंधन का। वैसे भी मेरा तो रक्षाबंधन अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। बस भैया खाना थोड़ा नहीं खाए लेकिन पैक करके दे दिया है, तो खैर चलिए कोई बात नहीं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो डेली बना सकूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।